सो हे गाइस, फाइनली हम लोग का केदारनाथ ट्रिप स्टार्ट हो चुका है और हम लोग एक कार को रेंट लेके एक सुंदर सा व्यू लेते हुए केदारनाथ की ओर चल पड़े हैं। और हमारे जो कार ड्राइवर वाले भैया हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, हम लोग को हर चीज़ के बारे बता रहे हैं कि कहाँ क्या है। और बस इसके बाद हम लोग पहुँचने वाले हैं रुद्रप्रयाग, जहाँ बहुत ही सुंदर संगम है। रुद्रप्रयाग दो नदी का एक मिलन है, तो आप देख सकते हैं एक साइड से कितना क्लियर वाटर है। और बस हम लोग अब बाबा का नाम लेते हुए अपने पैदल यात्रा शुरू कर रहे हैं, एक लकड़ी का सहारा लेते हुए। और ये है मेरे साथी जो बस मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, और रात पे चलने का मज़ा ही कुछ और है। आप देख सकते हैं कितने लोग चल रहे हैं। और ये हूँ मैं जो एक लकड़ी का सहारा लेते हुए बस आगे बढ़ रहा हूँ भगवान का नाम लेते हुए। काफ़ी लोग थक जाते हैं, इस वजह से वो लोग यहाँ का जो लोकल राइड है जिसको यहाँ पर खच्चड़ बोला जाता है उससे जा रहे हैं। बस हम लोग अब देख सकते हैं एक सुंदर सा वाटरफॉल का नज़ारा का मज़ा लेते हुए बस आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ का हवा का एक अलग ही मज़ा है, एकदम शांत और एक पीसफुल जगह है ये। और बस हम लोग केदारनाथ के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं, लाइन पे लगे हुए हैं। बस केदारनाथ एक सपना था और एक सामने से देख के एक अलग सा मज़ा आ रहा है। काफ़ी भीड़ है, तो चलिए देखते हैं कि हम लोग कितने देर में पूजा कर पाते हैं, और आपको दिखाते हैं सामने का व्यू। तो चलिए सब कुछ साथ में बोलिएगा, कमेंट करिएगा, जय श्री केदारनाथ बाबा की जय।